अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा मेथड बताऊंगी जहां पे काम करने के लिए आपको किसी स्किल की जरूरत नहीं है, आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मीन विदाउट स्किल आप जो है यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं $10 से $20 जस्ट बुक का रिव्यूज देके। मीन आपने सिर्फ जो है किताबों को पढ़ना है, किताबों को पढ़ के उनका एक हॉनेस्ट रिव्यू देना है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनको रिव्यूज नहीं देना आता, तो उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगी, एक टिप बताऊंगी कि जिसके थ्रू आप एक जो है हॉनेस्ट रिव्यू जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस करके। तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगी जहां पे आपने बुक्स को पढ़ना है और बुक्स को पढ़ के उनके रिव्यूज देने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा जी, बात हम करने जा रहे हैं जी ऑनलाइन अर्निंग हमने करनी है, बुक के रिव्यूज देने हैं। कैसे रिव्यूज देने हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। तो फर्स्ट वेबसाइट जिसका नेम है, जहाँ पे हमने रिव्यूज देने हैं, उसका नेम है जी बुक लिस्ट ऑनलाइन, बुक रिव्यू साइट फॉर लाइब्रेरियंस इन पब्लिक। आपने यहाँ पे बुक्स के रिव्यूज देने हैं, किताबों को पढ़ना है और पढ़ के आपने एक हॉनेस्ट रिव्यू देना है। अगर आपको बुक का टाइटल, बुक का कंटेंट अच्छा लगा है आपने गुड कमेंट देने हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपने बैड कमेंट्स देने हैं, वो भी हॉनेस्ट। ठीक है, तो पहले हम स्कैम एडवाइजर इसका ट्रस्ट लेवल देख लेते हैं। तो स्कैम एडवाइजर मैंने मूव ऑन किया तो इसका ट्रस्ट लेवल जो है ना वो चेकआउट कर लेते हैं कि इसका ट्रस्ट लेवल क्या है जी। तो आप देख सकते हैं स्कैम एडवाइजर पे इसका ट्रस्ट लेवल कितना है जी, ट्रस्ट स्कोर इसका जो है 100/100। इट्स मीन कि ये वेबसाइट जो है ना हमारे लिए ट्रस्ट वर्थी है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी राइट फॉर अस रिव्यूअर्स रिव्यू या एक्टिवेट प्रोफाइल। राइट फॉर अस पे मैंने क्लिक किया क्योंकि हमने यहाँ पे रिव्यू जो है ना वो राइट डाउन करने हैं। अब हम देखते हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया है अगर आप यहाँ पे रिव्यू लिखना चाहते हैं राइट फॉर अस। ठीक है जी, Who can review for book list? अब यहाँ पे कौन कौन से लोग जो है ना रिव्यू दे सकते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे रिव्यू वो लोग दे सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जी बुक्स का या लाइब्रेरीज का। और यहाँ पे काम करने के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी की डिग्री हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड बिकमिंग अ बुक लिस्ट रिव्यूअर। ठीक है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बिफोर फिलिंग आउट न्यू रिव्यूअर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे पैसे कितने मिलेंगे जी, कि अगर हम यहाँ पे बुक का रिव्यू देंगे। आप देख सकते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, बुक लिस्ट पे $15 फॉर ईच रिव्यू। आप देख सकते हैं कि ये जो बुक लिस्ट है रिव्यू लिखने पे आपको $15 जो है ना वो पे करेगी। ठीक है जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे जो है ना अप्लाई करना है। तो सिंपल आपने रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जी। ठीक है जी, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन रिव्यूइंग फॉर बुक लिस्ट, आफ्टर यू फिल आउट दिस फॉर्म अ बुक लिस्ट टीम मेंबर विल बी इन टच विद यू टू डिस्कस योर एप्लीकेशन फर्दर। यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और जो बुक लिस्ट की टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगी आपकी एप्लीकेशन देख के, एंड वेन वी हैव रेलिवेंट रिव्यू ओपनिंग। और यहाँ पे हम आपसे तब कॉन्टेक्ट करेंगे जब हमारे पास कोई रेलिवेंट बुक आएगी और उसका रिव्यू देना होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद व्हाट आर योर प्रोनाउंस वो आपने लिखना है, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस वो आपने लिखना है, हैव यू वर्क इन अ स्कूल और लाइब्रेरी। आपने अगर किसी स्कूल या लाइब्रेरी में काम किया है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर पहले कभी किया था तो सेकेंड को सेलेक्ट करेंगे, अगर कभी भी काम नहीं किया आप थर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्हाट इज योर फेमिलैरिटी विद बुक लिस्ट मैगजीन, आपको क्या फेमिलैरिटीज है इसके साथ ना, क्या आपको उसके बारे में नो हाउ है। उसके बाद अदर देन फाइनेंशियल इंसेंटिव व्हाई वुड यू लाइक टू रिव्यू फॉर बुक लिस्ट। एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव ये कह रहे हैं कि एक तो आप अर्निंग के लिए यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं, उसके अलावा आप क्यों रिव्यू देना चाहते हैं बुक लिस्ट पे, आप उसके बारे में लिखेंगे। इन सब सवालों के जवाब अगर आपको ना मिले तो आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। बार बार बताती हूँ चैट जीपीटी बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग सो प्लीज एड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेफरेंस आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस दैट मे हेल्प अस असाइन बुक्स टू यू। वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप काइंडली अपना एडिशनल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें, अपनी आइडेंटिटी शेयर करें ताकि हम आपको बुक्स दे सकें रिव्यू के लिए।
नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स विल यू एक्सेप्ट फॉर अ रिव्यू पर मंथ, आप कितनी बुक जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे रिव्यू लिखने के लिए एक मंथ के अंदर। उसके बाद व्हाट डाउनलोड फॉर्मेट आर यू फेमिलियर विद फॉर डिजिटल रीडिंग, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जी पीडीएफ, आप पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे डिजिटल रीडिंग के लिए। उसके बाद कैन यू सेंड योर ट्रेंडिंग बेस्ट टाइटल विद योर प्रेफर जेनरा विद शॉर्ट डेडलाइन, क्या हम आपको एक बुक सेंड करें जो ट्रेंडिंग भी हो और जो आपको रिव्यू लिखना होगा डेडलाइन के अंदर, क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप किन बुक्स पे रिव्यू लिखना चाहते हैं, अडल्ट बुक्स पे लिखना चाहते हैं, बुक्स फॉर यूथ उस पे लिखना चाहते हैं, ग्राफिक नॉवल्स पे लिखना चाहते हैं, ऑडियो बुक्स पे रिव्यू लिखना चाहते हैं, रेफरेंस पे लिखना चाहते हैं, ये वो आपने अपनी मर्जी चीजें सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, ये करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आपने एक फॉर्म जो है ना प्रॉपर फिलअप करके ये आप सारा एक्सपीरियंस देख के आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म, अब हम मूव ऑन करते हैं जी सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ। उसका नेम है जी ऑनलाइन बुक क्लब। ये एक सेकंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने जो है ना रिव्यू देना है ऑनलाइन बुक क्लब फॉर रीडर्स। तो पहले स्कैम एडवाइजर पे इसका ट्रस्ट लेवल देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ आपने काम कैसे करना है। तो मैंने स्कैम एडवाइजर मूव ऑन किया। ट्रस्ट रेटिंग इज हाई और माइट बी सेव, मतलब आप देख सकते हैं इसका भी ट्रस्ट स्कोर 100/100 है, मतलब ये वेबसाइट भी ट्रस्ट वर्थी है। तो हमने यहाँ पे रिव्यू लिखना है गेट पेड टू रिव्यू बुक्स, आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे जी रिव्यू लिखने के, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसी इंटरफेस आपके सामने आएगी, गेट पेड रिव्यू बुक्स कम्प्लीटली फ्री। बाबर बताई हूँ वीडियो को स्टार्ट में बताया था, जो भी मेथड बताऊंगी विदाउट इन्वेस्टमेंट बताऊंगी। अच्छा जी, वो ये आपसे कह रहे हैं कि दिस इज टोटली फ्री, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली फ्री टू यू द रिव्यूअर्स, यू डू नॉट हैव टू से यू लव द बुक इफ यू डू नॉट इट, यू आर बीइंग पेड फॉर अ हॉनेस्ट क्विक रिव्यू एंड नॉट अ पॉजिटिव रिव्यू। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे कि ना तो आपने कोई, आप ये ना समझे कभी मुझे ये पैसे दे रहे हैं तो मैं एक यहाँ पे एक जो है ना एक रिव्यू दूँ कि भाई ये किताब बड़ी अच्छी है या मुझे इसके पढ़ के बड़ा सा। अब ये मैंने बराबर बताया था आपको यहाँ पे एक होनेस रिव्यू देना है, क्विक रिव्यू देना है, नॉट अ पॉजिटिव रिव्यू। मोस्ट पे आउट करंटली रेंज बिटवीन $5 to $60 पर रिव्यू। आपको बता दूं यहाँ पे आपको रिव्यू देने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, $5 to $60 मिलेगा पर रिव्यू। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस सेंड करना है और आपने सबमिट कर देना है जी। तो यहाँ पे आपको एक अपनी स्टेप टू में अपनी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ऐड अप करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आएगी, उसको आपने जो है ना वो एक्सेप्ट करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर स्टेप थ्री में कंप्लीट योर बेसिक प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। व्हाट डिवाइस विल बी यूज टू रीडिंग बुक्स, आप कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं बुक्स को पढ़ने के लिए, किंडल यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड यूज़ करेंगे, आईफोन, वैसे तो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे बुक पढ़ रहे हैं आप लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड पे कर रहे हैं तो आप एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर लिया, इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई। उसके बाद आपने यहाँ मोबाइल नंबर देना और आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है जी। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बुक जो है ना वो रिव्यू के लिए भेज दी जाएंगी, तो उस पर आपने रिव्यू कर लिखना है। अब बात आती है भाई रिव्यू हमने कैसे लिखना है, तो लाइक जिस तरह आप यहाँ पे मैं आपको बता रही थी वीडियो के स्टार्ट में कि रिव्यू अगर आपको नहीं लिखना आता है तो आप जो है ना चैट जीपीटी से ये रिव्यू लिखवा सकते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके। ठीक है, लाइक जैसा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट शॉर्ट रिव्यू और बुक मेक मनी ऑनलाइन। देखिए मैं एक शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको इतनी लंबी जो है ना बुक ना पढ़नी पड़े। मैंने जैसे यहाँ पे एक
डेमो के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर टाइटल ये लिखा है। आप जिस भी बुक का जो है ना वो रिव्यू देना चाहते हैं ना, उसका टाइटल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और क्लिक करके जो है ना वो आप पता कर सकते हैं कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका ऑथर क्या है, रिव्यू क्या है। आप सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बुक के अंदर क्या डिटेल लिखी हुई है, और अगर आपको उसका कॉन्टेंट लिखा हुआ पसंद आ रहा है आप उसका हॉनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आप उसमें रिव्यू में नहीं डाल सकते ना, आपने जस्ट बुक को यहाँ से पढ़ लेना, एक दफ़ा पढ़ के आपने फिर इसका होनर्स रिव्यू देख लिखना है कि आपको लगता है कि ये बुक यूजफुल है भी या नहीं। इस वेबसाइट पे काम करने के लिए या दोनों में जो वेबसाइट बताई पे काम करने के लिए जो शर्त है वो ये है कि आपको यहाँ पे होनर्स रिव्यू देना है। होनर्स रिव्यू देंगे तो आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरे आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।